नमस्कार, डॉक्टर त्रिलोक चंद, प्रोफेसर रसायन एंड भेषज पालना विभाग, ज्योति विद्यापीठ ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी जयपुर, आयुर्वेदिक साइंस। आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो क्वाथ कल्पना के अंतर्गत आता है। क्वाथ एक विशिष्ट वाटर सोल्युबल परपथ के हिसाब से औषधियों में बहुत महत्वपूर्ण एक कल्पना है। सोरस क्वाथ समथिंग पांच जो कल्पनाएं होती हैं उसमें प्रमुख क्वाथ है। क्वाथ का प्रयोग बहुत ही आदर्श से शीघ्र प्रभावी औषधियों में वैद्य लोग इसका उपयोग करते हैं। वात व्याधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक क्वाथ का नाम है, उसका नाम है रासना सप्तक क्वाथ। रासना सप्तक क्वाथ, जैसा कि नाम से विदित है, रासना सप्तक है, साक्षियों से बना हुआ है। इसका श्लोक है, रासना कोक्षर करंडे देवदारु उपनन्दवा गुरुच्यारक मदस्यते क्वाते वेसाम विपाचे। यानी रासना हो गया पहला द्रव्य, गोक्षर हो गया, एरेंट हो गया, देवदारु पुनर्वा गुरुजी आरंभवद चे क्वाथ मिशाम के बचे। इसका क्वाथ बना के रोग को दिया जाता है। उपयोग की दृष्टि से लिखा है, सुंठी चूर्ण संयुक्त है, यानी इसका प्रचय रूप में सुंठी डालकर पिलाया जाए पेशेंट के लिए कटिक ग्रह पासूल प्रस्टोर रोग पीडियाम आम बातें दो सौ भयंकर आम बात का इससे नाश होता है। आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर दृष्टि से बड़े सिलेक्ट रासना सप्तक क्वाथ में किए हैं। पहला है रासना। रासना अपने आप में वात सामक औषधि होती है और रासना के पत्ते यूज किए जाते हैं। वात सामक होता है और संपूर्ण वात व्याधियों में बहुत से इसका यूज किया जाता है। तो रासना की पत्ती मार्केट में बहुत मिलती है। एक पहला द्रव्य हो गया कोक्षर। कोक्षर छोटा गोकरू बड़ा गोकरू प्राय प्रकृति में मिलता है और भी इसके कई भेद होते हैं। इस गोकरू को यूज किया जाता है। अरंड, अरंड प्रबल वात सामक प्रबल वृष औषधि होती है। तो इसका तीसरा घटक अरंड हो गया। देवदारु का हार्डवुड यूज किया जाता है। पुनर्नवा गुरुचि आरंभ इस क्वाथ बना के इसका प्रयोग किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें जो उसके द्रव्य हैं घटक द्रव्य हैं और कौन सा प्रयोजन यूज किया जाए। पहला है रासना। तो रासना का पत्ता इसमें पत्र यूज किया जाता है। लीव्स कोक्षुर का जो एक दसमूल का घटक द्रव्य होता है, दसमूल में लघु पंचमूल बृहद पंचमूल, तो लघु पंचमूल का एक पार्ट होता है। इसका गोकरू का फल भी यूज किया जाता है, इसका पंचांग भी यूज किया जाता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें रासना सप्तक क्वाथ में पंचांग यूज किया जाए, गोकरू का फल यूज किया जाए। तो ऐसा लगता है कि आम बात है वात सृष्टि से फल जो होता है वो वात सामक ज़्यादा होता है, इसने काम भी काम करता है। लेकिन इसका पंचांग होता है मूत्रल विकारों में ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ इस रासना सप्तक की दृष्टि से फल का यूज करना ज़्यादा उपयोग होता है। अरंड बहुत श्रेष्ठ वात सामक औषधि होती है। अरंड का बीज, अरंड की जड़, अरंड का पंचांग, अरंड के पत्रे गंधर्वस्त भी बोलते हैं, इसका यूज किया करते हैं। तो रासायन सत्व की दृष्टि से क्वाथ की दृष्टि से अरंड का मूल श्रेष्ठ कार्य होता है, क्योंकि चरक संहिता में बताया कि अरंड मूल प्रबल वात सामक वृष होता है। वात सामक का भी काम करेगा, वृष का भी काम करेगा। देवदारु भी वात और कफ सामक होता है, इसका वाट हो इसका यूज किया जाता है। पुनर्नवा वात विकारों में सूत्र दृष्टि से बहुत प्रचलित औषधि होती है। पुनर्नवा का मुख्य कार्य है मूत्रल होता है, यानी शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, पानी का इकट्ठा हो रहा है, तो पुनर्नवा के यूज से वो दूर होता है। गुरुची अपने आप में ऑटोमोन डिसऑर्डर की मुख्य दवाई होती है। आंबा तो होता है ऑटोमोन डिसऑर्डर की किस रेडिंग में इसको माना जाता है। गुरुचि का कांड यूज किया जाता है। आरंभवाद भी मृदु विरेचक होता है। आम बात पेशेंट या वादवादी में हर पेशेंट में
प्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है, रोगी होता है वो जनरली कंप्लेंट लेके आता है कि हमेशा गबन की प्रॉब्लम होती है, तो बात सामान भी होता है ऑपरेशन का भी वो काम करता है। चेयर क्वाथ इसका क्वाथ बनाया जाता है। अब क्वाथ कैसे बनाए इसका, तो दो पल इसकी मात्रा बताई गई है, दो पल के लिए उसमें आठगुना जल मिला के उसको मंदाग्नि पर गर्म किया जाता है, जो 1/4 रह जाए उसको पेशेंट को सुबह और शाम उसका यूज कराया जाता है, छान के यूज किया। आगे आचार्य कहते हैं शुंठी चूड़े में संयुक्त है उसमें प्रत्येक रूप में शुंठी का छोटी सी मात्रा में सौंठ का पाउडर डाल दिया जाए। सौंठ पाउडर आम पाचन का काम करता है, आम पाचन की दृष्टि से उसकी जो एफिकेसी है क्वाथ की बहुत तेज हो जाती है और जल्दी काम करता है। चूड़े में संयुक्त इसका संयुक्त करा के अटिग्रह यानी कमर की पीड़ा स्टेपनेस ऑफ लंबे को कमर में जकड़ा ना जाए, एल्बोर पाइप में दिक्कत हो जाए, जनरली इसका अटिग्रह में यूज बताया गया है स्टेपनेस के लिए। पार्सू होता है जनरली आज पार्सू चेस्ट पेन में आसपास इसका यूज, चेस्ट के आसपास जहाँ पेन बताया गया उसको पार्सू की हम आयुर्वेद दृष्टि से एक समानता देते हैं, तो चेस्ट पेन के लंग्स के आसपास जो दर्द होता है वो पार्सू होता है। पार्सू से हम चेस्ट पेन या पसलियों को दर्द को भी माना जा सकता है। पृष्ठ पीठ का जो दर्द होता है, पीठ का जो कमर से ऊपर का जो पीठ होता है वहाँ भी ये काम करता है पृष्ठ रोग। वो जंगा की बीमारी होती है वहाँ भी काम करता है। पीढ़ियाँ आम पत्ती दुस्तर है और इसके बारे में दुस्तर है पीठ नहीं सही होने वाले आम बात की बीमारी को दूर करता है। रोमेटिक आर्थराइटिस की परम औषधि होती है। इसका ये मतलब होता है कहीं हमारे पास जो पेशेंट आया है जॉइंट पेन की शिकायत लेके आता है, वो कह रहा है कि हमें कमर में भी दर्द है, चेस्ट में भी कभी कभी दर्द होता है, आम बात छोटी संधियों और बड़ी संधियों में जो दर्द होता है उसमें प्रबल रूप से ये काम करता है। अब ओवरऑल दृष्टि से राशन क्वाथ एक बहुत इसका जो फॉर्मूला है बड़ा एक अच्छा संयुक्त फॉर्मूला बनाया गया है कि हर दृष्टि से ये काम करता है। इसमें औषधि डाली गई है राशन प्रबल बाघसमक हो गई, वॉकलू हो गया, वृष हो गया, मूत्रल भी हो गई, बाघसमक का भी काम कर रही है, अरंड बूल इसमें हमने अरंड बूल का यूज किया है, लेकिन अरंड का बीज भी काम किया जाता है। जैसे एक आयुर्वेद का योग बनता है अरंड पाक में उसके बीजों को छिलका हटा के चिप्पी हटा के उसका पिष्टी बना के दूध ग्रथ के बना के उसका यूज किया जाता है। तो अरंड में कितनी बड़ी ताकत हो गई। देवदारू भी अपने आप में इसमें जो कास्ट होता है हार्डवुड होती है, वॉलेटाइल चीज होती है, तो फास्ट रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। पुनर्नवा सूत्र का काम कर रहा है, शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की वेदना सूजन है और सूजन का जो निकलने का तारक माध्यम होता है वो होता है मूत्र दवाई देने से, तो शरीर में सूजन निकलती है, डायरेक्ट रोग भी होता है, और पेशाब संबंधी विकारों में राशन सत्व क्वाथ काम करता है। उरुचि प्रबल औषधि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए प्रबल उरुचि होती है, सामान्य करने दृष्टि होती है, शरीर में कहीं भी इनके सूजन अंदर आ रही है। कई बार हमसे पेशेंट आके कहता है सर हमें अंदर की बर्निंग सेंसेशन होती है, ये जलन होती है, वहाँ भी उरुचि का बहुत बड़ा रोल होता है। उस दृष्टि से उरुचि हो गया और बोकू हो गया वो बर्निंग सेंसेशन को भी काम करते हैं। और आराम पहले ही मैंने बताया वीडियो में फिर एक मृदु ब्रेचन का काम करता है, जिससे कि इससे ब्रेचन जो हमारे शरीर में कोष्ठबद्धता होती है वो भी इससे दूर होती है। और इसका क्वाथ हो गया। महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें शुंठी का संयोग कराया गया है, शुंठी को प्रक्षेप रूप में इसमें डाला गया है, छोटी मात्रा में सौंठ डाल देते हैं। सौंठ किसी द्रव में डाली जाती है तो आम पाचन का प्रमुख रूप में काम करती है। बात करते हुए आम पाचन को होना बचौली होता है और पीड़ित जंगा और इसके यूप लिख दिए मैंने जंगा सूर हो गया, कटिग्रह हो गया यानी L4-5 में कमर में दर्द हो गया, पार्श्व पृष्ठ में पीड़ा हो गई और आम बात की प्रमुख औषधि होती है। थैंक यू।